कपास की जो खेती है हमारी करीब करीब 115 लाख हेक्टेयर में पूरे देश में होती है, और उसमें करीब 95% खेती जो है वो बीटी कपास की होती है। पिछले कुछ समय से, करीब 3-4 साल से, बीटी कपास की जो पैदावार है उसमें स्थिरता आ गई है। हमारी देश की जो कपास की पैदावार है वो अभी बढ़ नहीं रही। तो ये कपास की जो सघन खेती है, जिसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ये एक नया एक तकनीक है जिसमें कि एक हेक्टेयर में हम बीटी कपास में करीब 20-25 हज़ार पौधे लगाते हैं, और इस तकनीक से एक हेक्टेयर में करीब करीब 1.5 लाख से 2,20,000 तक पौधे लगाए जाते हैं। तो अगर हम हिसाब लगाएं, एक पौधे में अगर एक बाल भी लगे, एक टिंडा लगे, तो एक हेक्टेयर में 4-4.5 क्विंटल हो सकता है। तो अगर एक पौधे में 8-10 टिंडे लगेंगे तो हमें बहुत अच्छी उत्पादकता पैदावार मिल सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस तकनीक का प्रचलन कई देशों में बड़ी सफलता से किया जा रहा है, जैसे कि हमारे ब्राज़ील है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उज़्बेकिस्तान है। तो उसी तकनीक के आधार पर पिछले 1-2 वर्षों से ये भारतवर्ष में ऐसे तजर्बे किए जा रहे हैं कि कपास की सघन खेती से कैसे अधिक पैदावार की जा सके। देश भर में काफ़ी बड़े स्तर पे करीब 2600 डेमोंस्ट्रेशन एक एक एकड़ के लगाए गए हैं, और मुख्यतः ये मध्य भारत में और दक्षिण भारत में इसको किया जा रहा है, लेकिन हमारे हरियाणा में भी 12 ऐसे तजर्बे जो है 7 गांव में अलग अलग जगह पे सिरसा ज़िले में ये लगाए गए हैं। और यहाँ पे जो है एक हेक्टेयर के अंदर करीब करीब 1.5 लाख पौधे किसान भाइयों के खेतों में लगाए गए हैं, और इससे हमारे को उम्मीद है कि जो हमारी कपास की उत्पादकता में स्थिरता आ गई है उसको रोक के हम उत्पादकता को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। अक्सर जैसे पौधों की संख्या बढ़ाएंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति के कुछ फर्क पड़ेगा, या कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा खाद वगैरह आपको डालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? इसमें बहुत अधिक एक्स्ट्रा खाद की बात नहीं आती, 20-25% एक्स्ट्रा खाद डालते हैं, लेकिन जो ये पौधे हैं ये इस तरह के पौधे बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़वार नहीं करते। पौधे की ऊंचाई जो है वो 4 फुट के करीब रहती है और वो पौधे बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं करते। ये FT83 का लगाया था ट्रायल 3 कनाल में, तो 5 क्विंटल यील्ड हमारे को BT के चेक से ज़्यादा आया। तो ये इसकी एक वैरायटी की खासियत है कि इसके जो फ्लावरिंग है और वो स्केयरिंग चलती रहती है काफ़ी देर तक, नवंबर तक हमने इसको हार्वेस्ट किया, तो हाइट भी इसकी कम जाती है, वो तो पिकिंग के लिए मतलब सूटेबल है मैकेनिकल पिकिंग के लिए। और दूसरा ये है कि इसमें इंसेक्ट पेस्ट भी कम लगता है, जैसिड भी कम लगता है, तो 3-4 स्प्रे हम लोगों ने किए थे उस टाइम पिछली बार। तो ये फरीदकोट की वैरायटी है, कल्चर है, तो इसमें हमने कुछ सिलेक्शन भी करे हैं। इस साल हमने जो है इसका पूरा एकड़ का लगाया है अपने फार्म पे, और 6 एकड़ जो है फार्मर फील्ड पे लगाया है, डिफरेंट फार्मर्स को दिया है, तो देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा आता है इसका लार्जर प्लॉट में। सघन खेती से यील्ड ज़्यादा बढ़ेगा ना इसका, तो हमारे पास ये अल्टरनेटिव रह गया, क्योंकि BT से हमें कोई यील्ड ज़्यादा चाहिए तभी फार्मर लेगा, ठीक है ना। तो फार्मर तभी प्रेफर करेगा अगर ये इससे प्रेफरेंस ज़्यादा रहे, उसका जो स्प्रे का जो खर्चा है वो बीट करे। खेती के ऊपर एक तो देसी कपास है 310, और दूसरा हमने सघन खेती के अंदर लिया है 2383 जो एक पंजाब यूनिवर्सिटी फरीदकोट की जो वैरायटी है अमेरिकन के अंदर 100। इसमें पहले जो हम खेती किया करते थे जैसे बीटी कॉटन का है, इसमें लाइन का फासला भी ज़्यादा था और सीड की मात्रा भी कम थी, तो लाइन टू लाइन जो हम रखा करते थे 3.5 फीट, और प्लांट टू प्लांट जो पौधे की दूरी थी वो हम लगभग 2-2.25 फुट पे रखा करते थे। और अभी हमने यह दोबारा इसी देसी कपास पर या देसी अमेरिकन पर जो हमारी वैरायटियां हैं उस पर दोबारा आना चाहते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जितने पौधे प्लांट ज़्यादा होंगे
तो इसमें मतलब कि हमें इनकम या यील्ड ज़्यादा मिलेगी। तो हमने सघन खेती की जो अब लाइन टू लाइन जो रखा है वो 2 फीट का है और पौधे से पौधे का जो दूरी रखी है वो 6 सेंटीमीटर की है। इसके अंदर डॉक्टर साहब हमने 13 किलोग्राम जो बीज जो है पर एकड़ से हमने डाले हैं सर। इसमें यील्ड में हमारे तो मेरे को तो यूँ लगता है बीटी कॉटन के मुकाबले में रहेगी सर, बीटी कॉटन से बेहतर हो सकती है डॉक्टर साहब इसमें।